लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। या तुम अपने तुमने घर के तुमने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी क्या बात है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। या तुम अपने तुमने घर के तुमने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी क्या बात है, ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। बीजेपी वालों को मंदिर मस्जिद सूट करता है, कराते रहो पूरे 5 साल, बस मंदिर मस्जिद कराते रहो, उलझा के रखो जाए। अच्छा बात नहीं है। सबसे पहले प्रभु राम का नाम लिया, हाँ। तो अच्छी बात है ना, तो मैं तो कहता हूँ जो प्रभु को कह रहा है रम में राम बसते हैं, उनको तो आप आदर्श पूर्वक अपने पार्टी में ले आते हो। नरेश अग्रवाल जी आइए, उनके बेटे को आप रम का मंत्री बना देते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जो जो कहते हैं कि प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे, उनको आप कैबिनेट मंत्री बना देते हो, निषाद साहब को। तो आप तो प्रभु राम के गाली देने वालों को आप मंत्री बना देते हो, तो ये सोचिए आपकी विचारधारा कौन सी। पहले यही नहीं पता चल रहा है कि प्रभु राम के साथ हो कि नहीं, ये तो बता दो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। वो कह रहा है एक व्यक्ति की दशरथ के बेटे नहीं थे राम, और आपने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। और आपका एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं रम में राम बसते हैं, उनके बेटे को रम का मंत्री बना देते हो, तो इसके मतलब आपके प्रभु राम में कोई आस्था नहीं। समाजवादी आपके पार्टी में थे तब बोला था क्या? बीच में ना बोल, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बोला ना, हाँ बोला, हमने टोका, हमने टोका, इन्होंने ले लिया, हमने बोला तुमने गलत किया, बीजेपी ने कहा सही किया। आइए, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, तो वही तो जाता है उसमें। यही अच्छा हमको सिखा रिया है, हिंदू मुस्लिम करके इस देश में सामाजिक रूप से जो संतुलन बिगाड़ा जा रहा है ये ठीक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हमारे आसपास, हमारे मुल्क के आसपास जो हालात बने हुए हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम करते करते सत्ता के लिए इस तरीके से खटास पैदा कर देंगे समाज में, तो वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम करते करते हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो दिशा जो आज महंगाई की हालत है, वो सब उन चीजों से जुड़ी हुई है। और इस देश के अंदर ऐसा ना हो कि पड़ोसी हमारे जो हैं उनके जैसे हालात इस मुल्क के अंदर धीरे धीरे हम बना रहे हो, इस पर गंभीर मंथन और चिंतन की जरूरत है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। जिस भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं देश के अंदर, आप किसी तरीके से जो माहौल पैदा करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देश रहेगा तो मैं और आप रहेंगे। आप देश में अफरा तफरी मत चलाइए, अराजकता मत चलाइए, ये देश रहेगा तो मैं और आप रहेंगे, ये देश भी रहेगा तो मैं और आप भी रहेंगे। आप कौन सी भारतीय जनता पार्टी की बात, बीच में ना बोल, कहीं तब नियंत्रित हो जाएगी जब जो है अगर हिंदुओं पर पत्थर फेंके जाए तो उसको हिंदू कहां से आ जा रहा है, हिंदुस्तान है यार, हिंदू भारतीय जनता पार्टी का हिंदू खत्म हो जाता है, हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हम सब इंसान है, सब इंसान है, सब अपने धर्म की बात करते हैं। अनुराग जी मैं जवाब दूंगी, हिंदुओं को गायब कर दो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, हर बात पूरी कर लेती है, हिंदू ना हो गया फुटबॉल है क्या, हिंदू जनता पूछेगी ना सवाल, ये जनता पूछेगी, अरे हिंदू हमारा ये जनता सवाल कभी नहीं था, ना अंग्रेजों के समय में था, ना मुगल काल में था, ना आज है। आपके लिए खतरे में हो सकता है हिंदू, कभी खतरे में नहीं रहा। आप मुद्दों पे बात कीजिए, आप असली मुद्दों उस पर चर्चा कीजिए कि महंगाई, ठीक है, इससे जनता सवाल पूछेगी। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो होगी, धार्मिक स्थानों पर आप टारगेट कर रहे हैं, आपने कभी बेरोजगारी पर ध्यान दिया है, महंगाई पर ध्यान दिया है, आप हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, एक दूसरे को लड़ाते रहते हो, कभी इन तीन मुद्दों पे आपने ध्यान दिया है? आप कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू खतरे में है, ज्ञानवापी की बात करते हैं आप, आगरा की बात करते, कुतुब मीनार की बात करते, हम कहते हैं हमारा रोजगार खतरे में है, फिर हमारे घर का व्यापार खतरे में है, यूपी में अभी एसआई की 9000 भर्ती आई थी, आपकी गवर्नमेंट में
20-20 लाख रुपए में कैसे वो सीटें बिकी? हमारा भविष्य कौन देखेगा? हमारी एज निकल चुकी है सर। आपने 20-20 लाख रुपए में भर्तियां बेच दी है सर। आप तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? जब जब देश के हित की बात होती है, जब जब रोजगार की बात होती है, आप हिंदू मुस्लिम करके मुद्दा सामने ले आते हैं। पिछले 2 साल से यूपी में या पूरे भारत में कितनी वैकेंसी निकाली, आप मुझे उसका ब्यौरा दे दीजिए और उसमें बताइए कि आपने कितनी भर्तियां ली हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। या मस्जिद मंदिर के लिए नहीं लड़ रहे सर? हम पढ़ मस्जिद मंदिर के लिए नहीं रहे सर, हम देश के लिए पढ़ रहे हैं सर, हम देश की सेवा के लिए पढ़ रहे हैं, अपने पेट के लिए पढ़ रहे हैं सर। बस हवा निकल गई क्योंकि आपने मेरे प्रति विश्वास जताया। ये भी काम हम ही करेंगे। हाँ, एक काम नहीं करेंगे, एक काम न करेंगे न होने देंगे, वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे।